देवास से अब बड़ी खबर है, आपको बता दें दिवाली को लेकर प्रशासन की सख्ती, पटाखा दुकान पर प्रशासन की दबिश, कई दुकानों पर पुलिस ने की है कार्रवाई, अवैध पटाखों को पुलिस ने जब्त कर लिया, पुलिस ने कई दुकानों को सील भी कर दिया, व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध जताया है। तो प्रशासन सख्त है दिवाली को लेकर पटाखों पर, पटाखा दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तहसीलदार के साथ व्यापारियों की झड़प भी देखने को मिली, पटाखा दुकान पर प्रशासन की दबिश, कई दुकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तहसीलदार के साथ व्यापारियों की झड़प भी देखने को मिली है, व्यापारी अवैध रूप से ये पटाखा बेच रहे थे। तो कई दुकानों पर पहुंची, यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, तहसीलदार पहुंचती है और उसके बाद जो पटाखा बेच रही थी अवैध तरीके से उन पर कार्रवाई की गई है। कई पटाखा दुकानों पर पहुंची तहसीलदार, उसके बाद फिर यहां पर कार्रवाई की है, ताला भी जड़ दिया गया, व्यापारियों ने कार्रवाई का हालांकि विरोध किया है क्योंकि दिवाली के मौके पर ये पटाखे बेचते हैं जिसके बाद इनको सही व्यापार की उम्मीद भी होती है, लेकिन उसी दौरान इन पुलिस की ओर से कहा गया है कि अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं, व्यापारियों ने कार्रवाई का फिलहाल विरोध किया और उसके बाद ये जो कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से उसका विरोध जताते हुए नजर आए। राम माल्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम माल्या, कितनी दुकानें ऐसी हैं जिनमें अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे थे, कितनी दुकानों को बंद कराया गया है? देखिए, ये जिला प्रशासन की कार्रवाई है जिसमें तहसीलदार और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, ये इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौके पर बाजार में भ्रमण करने के लिए निकली। कई जगह ऐसी सूचना मिली थी कि अवैध रूप से जो है पटाखे शहर रहवासी क्षेत्र में बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद जो है तहसीलदार की यहाँ पर कार्रवाई हुई है और एशियन वक्त के यहाँ पर गए और वहाँ पर पूरा माल जो है गोडाउन जो भरा हुआ था पूरा उसको जब्त किया है और जब्त सामग्री गोडाउन पहुंचाई गई है। और आपको बता दें कि कई छोटी दुकान भी शहर में थी, बीचों बीच रहवासी क्षेत्र में थी, जहाँ पर जो है प्रशासन की टीम ने उन फटाखों को जब्त किया है। आपको बता दें कि लगातार देवास प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और नजरें बनाए रखी है, किस प्रकार की कोई अतात ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसी को लेकर वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस बीच थोड़ा सा जरूर देखने आया था कि स्थानीय लोगों ने, जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने विरोध जताया था कि जो छोटे छोटे व्यापारी है उनके फटाखे प्रशासन ने उठाए, लेकिन जो बड़ी दुकान थी उसके फटाखे जो है कार्रवाई सही से नहीं कर पा रहा था, जिसका विरोध भी वहां पर देखने को मिला। जी ठीक है राम माल्या, बहुत शुक्रिया आपका।